जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ले के आया हूँ डेनमार्क में मज़दूर दिन कैसे मनाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा पार्क है जिसे फेले पार्क कहते हैं। ये कोपनहेगन के सेंटर के पास है और गीस हॉस्पिटल के बैक साइड पे है और ओस्टापोर्ट के और नैरोब्रो के बॉर्डर पे दरमियान में है। बहुत बड़ा पार्क और इंटरनेशनल स्टेडियम, जो फुटबॉल स्टेडियम वो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, उसके साथ है। ये बहुत बड़ा पार्क है। ये यहाँ पे आज मज़दूर डे, लेबर डे मनाया जा रहा है, जिसमें हर किस्म के, हर तबके के लोग, हर मुल्क के लोग आते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे मज़े की बात बताता हूँ, यहाँ पे हर किस्म के स्टॉल लगाए जाते हैं, खाने के, पीने के और बच्चों के खिलौने के और डिफरेंट किस्म के। ये देखें, ये हैं जी वो स्टॉल जो डिफरेंट खाने के स्टॉल्स हैं। आइसक्रीम है और चूरस हैं और काफ़ी खाने की चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद। काफ़ी लोग हैं, ये आप देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है, सब डिफरेंट किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हाफ़ प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं और कईयों ने तो हाफ़ से भी कम लगाए हुए हैं, ताकि हर किस्म के लोग, हर तबके के लोग यहाँ से चीज़ें ले सकें। ये एक एडवांस मुल्क की निशानी है जो अपने लेबर का ख्याल रखते हैं। अब यहाँ से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लेबर डे या मज़दूर डे इन मुल्कों में किस कदर से मनाए जाते हैं। ये बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल है। ये देखें जी, मुख्तलिफ की चीज़ों के स्टॉल हैं, छोटे छोटे, किसी ने कैप्स रखी हुई हैं, किसी बच्चों की चीज़ें रखी हुई हैं, ग्लासेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं इन स्टॉलों में। और ये हाफ प्राइस में दिए जा रहे हैं, लेबर्स का ख्याल रखा जाता है, खाने की चीज़ें हैं, ये सब देखें आप।
ये अब बच्चों के झूले की चीज़ें हैं जहाँ बच्चे झूले ले सकते हैं। Hey, you gotta be this one.